गाइस वेलकम टू राउज टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज मैं आपको बना के दिखाऊंगा एक ब्लूटूथ एम्पलीफायर जो कि पोर्टेबल होगा, छोटा कॉम्पैक्ट में बनाने का कोशिश करूंगा जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है। तो चलिए क्या क्या चाहिए होगा हम लोग पहले देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 18650 एक लिथियम आयन 3.7 वोल्ट का बैटरी ले लिया है जो कि 1200 mAh में है, आप लोग देख सकते हो। और मैंने यहाँ पे 3 वॉट्स का स्पीकर ले लिया है, 4 ओम्स में, आप लोग देख सकते हो। ये 1.5 इंच का है स्पीकर। और यहाँ पे मैं बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो 5 वोल्ट का दोनों बोर्ड है। ये है ब्लूटूथ हम लोगों का बोर्ड, इसमें सिर्फ ब्लूटूथ का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अभी तो फिलहाल सब कोई ब्लूटूथ ही चाहता है क्योंकि ब्लूटूथ के सिवाय तो और कुछ जैक वैक तो चलता नहीं है अभी, तो ब्लूटूथ से डायरेक्ट कनेक्ट करके आप लोग गाना सुन सकते हो इसमें। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक ब्लूटूथ वाला मॉड्यूल ले लिया, आप लोग देख सकते हो 5 वोल्ट वाला। और ये है एक 5 वोल्ट का एम्पलीफायर बोर्ड, आप लोग देख सकते हो 2 आउटपुट है इसमें। और इसका जो कवर बनेगा बॉडी, उसके लिए मैंने यहाँ पे पीवीसी सीट का यूज़ कर रहा हूँ। और मैंने पीवीसी पाइप जो होता है उसको मैंने सीट बना लिया था, उसके हिसाब से मैंने काट लिया है, मेजरिंग करके मैंने काट लिया है इसको। तो गाइस सबसे पहले जो है हम लोग जो है स्पीकर फिट कर लेंगे, पहले जो है हम लोग इसका बॉडी बना लेंगे, बॉडी का जो है एक पार्ट बना लेंगे, फिर मैं आपको बना के फिर जो है सारा कनेक्शन और स्पीकर जो है फिटिंग करके दिखाता हूँ। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने जो है ऊपर और नीचे की तरफ जो है 2 सीट जो मैंने कट कर लिया था वो मैंने लगा लिया है। और ये रहा हम लोगों का जो पीछे वाला जो हम लोग कवर आएगा वो मैंने यहाँ पे कट कर लिया है, आप लोग देख सकते हो ये पीछे कुछ इस तरफ आ जाएगा, लास्ट में लगाएंगे। और हम लोग का जो साइड है वो तो राउंड रह जाएगा, राउंड बनेगा। और जब सबसे पहले मैं जो है पहले मैंने सोच लिया कि सब कुछ फिटिंग करने के बाद हम लोगों का जो है ये चार्ट पेपर लगाने में डेकोरेट करने में इसको प्रॉब्लम होगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले इसको लगा दिया जाए। तो मैं क्या करूँगा, पहले जो इसके ऊपर जो है मैं चार्ट पेपर जो है पहले लगा लूँगा, उसके बाद जो है मैं सारा जो पार्ट जो है उसको कनेक्ट कर लूँगा। तो चलिए पहले जो है मैं इसका उसके ऊपर चार्ट पेपर लगा लेता हूँ। और इसका जो साइड वाला राउंड वाला पोर्शन भी है मैं ट्राई करूंगा कि पहले इसको मैं लगा लूँ फिर जो है सब कुछ फिटिंग करूंगा। तो सबसे पहले चलिए इसके राउंड वाला जो शेप है वो लगा के फिर जो है मैं इसके ऊपर चार्ट पेपर लगा दूंगा। और ये वाला जो है इसको मैं स्क्रू की मदद से फिट करूंगा ताकि कभी कोई प्रॉब्लम हो तो खोल सकूँ उसको, तो ये जो है लास्ट में लगाऊंगा। तो चलिए पहले इसको राउंड वाला बना के फिर जो है मैं इसको चार्ट पेपर से कवर कर लेता हूँ। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने आपको बताया मैंने साइड में जो है कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया है ताकि क्योंकि पीवीसी जो हम लोगों का सीट है वो अच्छे से बेंड नहीं हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया है राउंड करने के लिए, इसको राउंड शेप देने के लिए। तो आप लोग देख सकते हो ऐसा हम लोगों का कवर बन चुका है। तो इसके अंदर जो है और इसके ऊपर जो है मैंने जैसे आपको बताया मैंने इसके ऊपर जो है चार्ट पेपर का इस्तेमाल कर लिया, ब्लैक वाला चार्ट पेपर यूज़ किया है। इसको बाद में हम लोग लास्ट में बाकी का जो है चार्ट पेपर लगाएंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसके अंदर स्पीकर जो है वो फिट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, इसके अंदर आ जाएगा स्पीकर्स कुछ इस तरीके से इसके अंदर आ जाएगा। तो चलिए इसको ग्लूगन की मदद से मैं पहले इसको लगा लेता हूँ। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने इसके अंदर जो है स्पीकर ग्लूगन की मदद से फिट कर लिया है, आप लोग देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से का लग रहा है। तो अभी जो है मैंने आपको दिखाता हूँ ये जो है हम लोगों का बोर्ड का कनेक्शन मैंने किया है, आपको दिखा देता हूँ। मैंने सिर्फ जो है इनपुट का कनेक्शन किया है, इनपुट का कनेक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है इसमें 3 टर्मिनल्स था, लेफ्ट राइट और ग्राउंड, ये ब्लूटूथ वाले में। और सेम तरीके से हम लोगों का एम्पलीफायर का जो है इनपुट में, एम्पलीफायर बोर्ड का इनपुट में सेम कनेक्शंस था, मतलब इनपुट था लेफ्ट राइट और ग्राउंड, तो मैंने तीनों को जोड़ दिया। आप लोग अभी जो है स्पीकर्स का जो वायर से हम लोगों का पॉजिटिव नेगेटिव देख के आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट, ये है लेफ्ट का पॉजिटिव नेगेटिव और राइट का आउटपुट हम लोगों का पॉजिटिव नेगेटिव। और हम लोगों का जो पावर सप्लाई है वो हम लोगों का बैटरी यूज़ कर, आप लोगों को मैंने आपको दिखाया जैसे बैटरी यूज़ करने वाला हूँ मैं। और इसके लिए हम लोग जो क्या करेंगे स्विच के साथ कनेक्ट करके और सॉकेट लगाएंगे चार्जिंग के लिए, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। और इसका पॉजिटिव नेगेटिव में हम लोग लगा देंगे। तो चलिए पहले जो है इस बोर्ड को अंदर फिट कर लेते हैं, स्पीकर्स का कनेक्शन कर लेते हैं और इसके हम लोग का जो इनपुट का जो वायर है वो हम लोग लगा लेते हैं पहले। सो गाइस आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे जो है एम्पलीफायर बोर्ड जो है वो लगा चुका हूँ मैं, और कनेक्शन जैसे मैंने आपको दिखाया था वैसे कनेक्शन कर लिया है। इसका जो पॉजिटिव नेगेटिव है ब्लूटूथ और ये जो हम लोगों का एम्पलीफायर बोर्ड का दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव निकल गया। और लेफ्ट राइट का तो स्पीकर आप लोगों को पता ही होगा, लेफ्ट राइट 2 आउटपुट होता है प्लस माइनस करके लेफ्ट राइट का, तो उसको मैंने स्पीकर से कनेक्ट कर दिया है और बैटरी मैंने यहाँ पे लगा लिया है। और आप लोग देख सकते हो अभी जो इनपुट का जो चार्जिंग वाला कनेक्शन होगा हम लोगों का मैंने यहाँ पे यूज़ किया, एक तो एंड्रॉइड पिन का सॉकेट, आप लोग देख सकते हो डीसी एंड्रॉइड पिन का सॉकेट यूज़ कर लिया है जो कि यूएसबी केबल हम लोगों का फोन में यूज़ होता है उसका यूज़ किया, एक 5mm का रेड LED का यूज़ किया मैंने चार्जिंग के लिए और चार्जिंग का लाइट शो करे कि चार्ज हो रहा है इसलिए 5mm का रेड LED यूज़ किया मैंने। और यहाँ पे एक SPST स्विच लगा लिया मैंने, एक छोटा वाला स्विच आता है वो मैंने लगा लिया है। तो अभी जो है कनेक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये LED और यहाँ पे मैंने एक BMS का यूज़ किया है, छोटा वाला BMS जो कि लिथियम बैटरी के साथ आता है, ये लिथियम बैटरी के साथ आया था मेरा, ये BMS का यूज़ किया है बैटरी प्रोटेक्शन जो होता है बैटरी, क्योंकि लिथियम बैटरी को हम लोगों का प्रोटेक्शन का यूज़ होता है, ओवर चार्ज होने से जो है लिथियम बैटरी हम लोगों का डील हो सकता है, इसलिए मैंने जो है यहाँ पे BMS का यूज़ कर लिया है। तो ये हम लोग का BMS का आपको क्या करना है, यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव है टर्मिनल है इसके साथ बैटरी का कनेक्शन कर देना है। और तो हम लोगों का मेन बैटरी का वायर ये बन गया। तो क्या करेंगे, एक पॉजिटिव का वायर जो है बैटरी का हम लोग जो है स्विच के साथ जोड़ देंगे और इसका जो इनपुट का जो पॉजिटिव वायर है उसको भी स्विच के साथ हम लोग जोड़ देंगे, जो हम लोगों का चार्जिंग सॉकेट से आ रहा है पॉजिटिव वो भी हम लोग स्विच के साथ जोड़ देंगे। और जो है नेगेटिव को क्या करना है आपको, नेगेटिव को क्या करना है,
इसका हम लोग का जो एम्पलीफायर का नेगेटिव है, हम लोगों का सॉकेट का नेगेटिव और हम लोगों का जो BMS का नेगेटिव है, मतलब कि बैटरी का नेगेटिव है, एक साथ जोड़ देना है। अब क्या करना है, अब जो है हम लोग LED का कनेक्शन करते हैं। तो और एक स्विच से जो है हम लोगों का जो पॉजिटिव वाला वायर है, ये वाला हम लोगों का जो है एम्पलीफायर स्विच ऑन करने से जो ऑन होगा, वो वाला पॉजिटिव का वायर हम लोगों को लगा देना है स्विच के साथ, दूसरा वाला। तो हो गया ये वाला पार्ट। अब लाइट का जो कनेक्शन है वो क्या करना है, मैंने यहाँ पे 1N4007 डायोड ले लिया है। तो पहले जो है इसका जो पॉजिटिव वाला साइड है, इसके साथ जो है मैं डायरेक्ट डायोड का जो है इस साइड से इस साइड करंट फ्लो होता है, ये वाला है नेगेटिव साइड। तो इसके साथ जो है मैं पॉजिटिव वाला जो साइड है उसको मैं नेगेटिव के डायोड के साथ जोड़ दूंगा पहले, और रेजिस्टेंस जो है लाइट का पॉजिटिव या नेगेटिव एंड में मैं जोड़ दूंगा रेजिस्टेंस को। उसके बाद इसको जो है एक डायोड का जो है इस टर्मिनल से हम लोगों का बैटरी का वायर कनेक्ट होगा, और जो है लाइट का जो पॉजिटिव एक वायर है पॉजिटिव, या हम लोग जो इस साइड वाला है, इस साइड वाला टर्मिनल से मतलब पॉजिटिव वाला टर्मिनल से हम लोग डायोड का लाइट का एक एंड जोड़ देंगे। तो क्या होगा, जब हम लोग का चार्जिंग होगा तभी सिर्फ लाइट जलेगा, बैटरी से हम लोग का कोई लाइट नहीं जलेगा। तो चलिए कनेक्शन करके मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे जैसे कनेक्शन बताया था सारा मैंने कर लिया है। यहाँ पे जो है हम लोगों का सॉकेट है, सॉकेट यहाँ पे जो है स्विच भी कनेक्ट कर लिया है, और लाइट जैसे कि मैंने आपको कनेक्शन बताया सेम तरीके से मैंने यहाँ पे कर लिया है। और यहाँ पे जो है हम लोगों का ये रहा हम लोगों का ये जो है हम लोगों का बैटरी प्रोटेक्शन मॉड्यूल। तो अब क्या करना है हम लोगों को, ये दो वायर जो स्विच के एक स्विच से निकला है, और ये जो दो वायर है हम लोगों का कनेक्ट हो जाएगा इस वायर से, जो कि हम लोगों का पावर सप्लाई मतलब कि एम्पलीफायर बोर्ड में जा रहा है, और ब्लूटूथ जो मॉड्यूल है उसमें जा रहा है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव हम लोग ब्लैक और रेड इसमें कनेक्ट कर देंगे। और बैटरी का जो वायर है, बैटरी का जो पॉजिटिव नेगेटिव है, ये आप लोग देख सकते हो, ये दो वायर जो है इनको हम लोग जो बैटरी प्रोटेक्शन मॉड्यूल है उसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ जोड़ देंगे। तो क्या होगा, हम लोगों का एम्पलीफायर जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा कैसे चलता है, और कितना आवाज़ क्वालिटी साउंड क्वालिटी कैसा है आपको मैं सब दिखा दूंगा। और ये कनेक्शन बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे डायोड और रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करके मैंने बनाया ये जो सर्किट मैंने बनाया है। तो चलिए पहले जो है हम लोग जो कनेक्शन बचा है उसको कनेक्ट करके फिर इसको जो है मैंने इसको लगाने के लिए मैं यहाँ पे स्क्रू का मदद लूँगा। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे पीसेस लगाया है इसके साथ मैं स्क्रू के साथ इसको फिट कर दूंगा। तो चलिए इसको लगा के मैं आपको बताता हूँ। आप लोग देख सकते हो हम लोगों का ब्लूटूथ जो एम्पलीफायर है पोर्टेबल हम लोगों का कंप्लीट एकदम रेडी हो चुका है। आप लोग देख सकते हो मैंने इसको फिनिशिंग भी कर दिया। मैंने चार्ट पेपर लगाया था फिर भी कलर बहुत ऑफ कुछ अलग दिख रहा था, इसलिए मैंने इसके ऊपर से फिर से ब्लैक फेब्रिक कलर कर दिया है। यहाँ पे मैंने राउस टेक्नोलॉजी लिख दिया है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पेपर के साथ, और यहाँ पे एक होल भी कर दिया ताकि हम लोगों का जो ब्लूटूथ का सिग्नल भी मिल जाए, और बेस का जो एयर है उसका हम लोगों का स्पीकर खेल जब बजेगा तो उसका जो एयर है अंदर का वो बाहर आ पाए। और पीछे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लाइट है, और मैंने यहाँ पे जैसे आपको बताया था स्क्रू की मदद से मैंने इसको लगाया पीछे वाला, और स्विच ये हम लोगों का चार्जिंग पोर्ट, और ये। तो पहले चलिए मैं आपको इसको चार्जिंग करके दिखा देता हूँ चार्ज कैसे होता है। ये हम लोगों का फ़ोन का मैं चार्जर ले लिया है मैंने, ये एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड का चार्जर आपको बस स्विच ऑन करके लगाना है और कुछ इस तरीके से ये चार्ज होने लगेगा। और आप लोग देख सकते हो लाइट जो है ब्लिंक हो रहा है, चार्ज में लगाने से ही लाइट ब्लिंक हो रहा है। तो चलिए चार्जर को रिमूव कर देता हूँ मैं, तो ये ऑफ हो गया, ये लाइट शो करेगा कि आपका जो एम्पलीफायर है वो चार्ज हो रहा है। तो चलिए इसको ऑन कर लेता हूँ। सो गाइस, आप लोगों ने आवाज़ सुना कि इसका जो ऑन होने के बाद कुछ ऐसा साउंड होता है। तो चलिए अभी जो इसको ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ़ोन ले लिया है, फ़ोन में मैं जाके ब्लूटूथ में जाऊँगा पहले, तो फिर सर्च फॉर डिवाइस करूँगा। डिवाइस आ गया है, ये 3.0 BT आप लोग देख सकते हो, मैं ब्राइटनेस नीचे कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 3.0 BT में जो है यही है इसका, तो ये कनेक्ट हो चुका है आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक अच्छा चीज़ है, यहाँ पे आपका जो बैटरी का इंडिकेटर है वो भी आपको दिखाया है, यहाँ पे जो है 70% चार्ज हो रहा है, 70% चार्ज इसमें है बैटरी में, और यहाँ पे जो है यहाँ पे भी शो कर रहा है आपका बैटरी का जो है चार्ज, कितना चार्ज है बैटरी में। तो चलिए अब जो है गाना बजा के आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। माइक में सामने कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे अच्छे से, माइक को मैंने सामने रख दिया है। आप लोग देख सकते हो मैंने गाना जो है प्ले कर दिया है, अब आपको जो है साउंड दिखाता हूँ। देख सकते हो साउंड बहुत ही कम है, मैं धीरे धीरे साउंड इंक्रीज करता हूँ। The storms we chase are leading us, and love is all we'll
never trust. No, I don't wanna waste what's left. गाइस आप लोगों ने देखा कि स्पीकर बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है हम लोगों का। तो गाइस आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो भी चैनल पे नए हो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और नए वीडियोस के लिए ऐसे ही टेक्नोलॉजी वाला वीडियोस के लिए, और चैनल को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ अगर आपको अच्छा लगे, और लाइक भी कर देना जरूर, और कमेंट करके बताएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। थैंक यू।